शॉपिंग की लिस्ट आने से चलिए ब्लॉग्स, तो आज हम आए मिले फिर शॉपिंग के लिए। आज हम क्या क्या लेने वाले आपके साथ जरूर शेयर करेंगे, तो बने रहिए हमारे ब्लॉग में। जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत ही ब्यूटीफुल कलेक्शन है, तो मैंने इनमें से ही एक पिक कर लिया। अभी हम आए हैं ट्री कैफे में, जो कि न्यू ब्रांच खुली है रायपुर में, रायपुर रांझा वाला राइट। सो अभी हमने ऑर्डर किया है हनी चिली पटेटो एंड स्ट्रॉबेरी मोहितो एंड ग्रीन एप्पल। सो टेस्ट करते हैं कैसा है। एंड आज हम सो गाइज, आज मैं हूँ अपने घर, न्यू ईयर आने ही वाला है तो उसकी पार्टी तो बनती है, तो आज हम करने वाले हैं पार्टी इन द हाउस। सो आज रात को 12 बजे खोगी केक कटिंग और आपके साथ भी सेलिब्रेट होगा न्यू ईयर का खास दिन। सो ये हो रही है बॉनफायर की तैयारी। सो बॉनफायर की तैयारी हो चुकी है, कोड पकड़ लिया कि मोबाइल भी निकालना। तो ये हमारा केक और मैं दिखाने वाला हूँ बहुत ही ब्यूटीफुल केक बनाया है। पाइनएप्पल केक है। सो 12 बजने ही वाले हैं और हमारी पार्टी का 12 बजने वाले हैं और हमारा केक भी आ गया है। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी बर्थडे गाइस, हैप्पी न्यू 2022। ये साल आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेके आए, और हमारी गुड विशेस आपके साथ हैं। और हम जाने वाले पिज्जा से शुरुआत हमारी, हमारा ब्रेकफास्ट अभी करानी है तो हम पिज्जा से शुरुआत कर रहे हैं। और ये मेरी बैठी है यहाँ पे प्रिंसेस। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं मैगी पॉइंट और यहाँ पर थोड़ा सा ओपन है, देख रहा हूँ मैं कि धूप सेकने के लिए बहुत बढ़िया है, तो वहाँ पर बैठने वाला हूँ। तो देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे और यहाँ का स्नैक्स वगैरह ट्राई करते हैं, कॉफ़ी वगैरह पीते हैं, तो आइए हमारे साथ। सो गाइज हम पहुंच गए हैं डकटेल और आइए आज आपको भी घुमाते हैं डकटेल। बहुत ही ब्यूटीफुल कैफ़े हैं, आप देख सकते हैं खूबसूरत पेंटिंग्स यहाँ पे बनी हुई हैं एंड इंटीरियर तो ऑसम है। सो चलिए खाते हैं कुछ आज स्पेशल यहाँ का एंड यहाँ की ब्यूटी को भी इंजॉय करते हैं। सर्व हक्का नूडल हमारा फेवरेट है और कॉफी। से निकल रहे हैं, आप देखते हैं कहाँ जाते हैं एंड बहुत अच्छा है एंड भीड़ भी बहुत कम है, तो इसलिए ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिला, बहुत ही मज़ा आ रहा है, अच्छी सी धूप है। सो गाइज अब हम जा रहे हैं मैगी पॉइंट से कहीं और वो हम कहीं भी जा सकते हैं, लेके चलेंगे और आपको बताएंगे नहीं। हमारा न्यू ईयर तो बहुत अच्छा जा रहा है, आई होप आपका भी अच्छा जा रहा हो और उसके आपका हमारा ब्लॉग देखना पड़ेगा। हमने खूब सारा खाना खाया, खूब सारी मस्ती करी, बहुत मजा आया, आई होप आपका डे भी बहुत अच्छा जा रहा होगा। और गाइज बताना हम कैसे लग रहे हैं, कैसे लग रहे हैं कमेंट जरूर करें। तो सुबह के टाइम पे बहुत ज्यादा भीड़ थी तो इसलिए हम आ ही सके, तो अभी थोड़ा ठीक है, रस इतना ज़्यादा नहीं है, तो अभी हम जा रहे हैं साईं मंदिर के अंदर। नया साल का दिन और साईं दर्शन ना तो पॉसिबल ही नहीं है मेरी लाइफ में, तो अभी लेके चलते हैं आपको साईं दर्शन के लिए।
चलिए आप भी। साईं के दर्शन कराते हैं आपको। बहुत चुके ब्यूटिफुल फीलिंग साईं साईं मंदिर। साईं इज माई पावर। जो खुशी जो सुकून जिस व्यवहार में आगे मिलता है बज रहे हैं। ऐसा पॉसिबल बहुत कम ही होता है। एंड यहाँ पे जो साई प्रसाद आ चुका है आलू की सब्जी। सो यहाँ पे सभी लोग अपना प्रसाद ले रहे हैं। यहाँ पे बनी है आलू की सब्जी करी। पर सभी साई भक्त प्रसाद का आनंद लेते हुए, तो आज आपको भी नसीब हो गया साई का प्रसाद। गाइज अभी हम हैं रेंजर्स ग्राउंड के बाहर और यहाँ पे मेला लगा है, तो न्यू ईयर का मेला है तो हमें तो जाना ही है, तो आपको भी लेके चलते हैं, देखते हैं अंदर क्या क्या है। क्योंकि इसको घूमने का बहुत शौक है, तो तो यहाँ पर आप अपना टैलेंट भी दिखा सकते हैं, जैसे कि कोई डांस कर रहा है, कोई गाना गा रहा है। काफी भीड़ है। तुझे देखूं तो मुझे याद आए वो फेरे डिल की स्टोरी जिसमें होती है लड़की सिंड्रेला गोरी गोरी। यहाँ मैट लगी इतनी सारी और मैं तेज बोल रहा हूँ क्योंकि आवाज मेरी कम आ रही है, तो मैं अभी दिखाऊँ आपको। देखिए किचन एक्सेसरीज भी है, क्या क्या है यहाँ पे, बहुत ही सुंदर सुंदर ये लगी है। क्या है अचार आई थी, अचार वगैरह रखी है। देखिए कितने खूबसूरत झूले लगे हैं। हमारे साथ आ जाओ, मजे कर लो भाइयों, बहुत ही। और ये है मेरी सिंड्रेला, आइए देखिए। बाइक में घूमना है या इस हमारे आगे भूतिया झूला, इसमें भूतिया कोई नहीं है बट ये झूल ये घूम रहा है। और ये भूत बंगला, भूत बंगला इसके बगल में, भूत बंगले में ले लो पिक्चर। इस सर्दी में बोटिंग का मजा यहाँ पे ले सकते हैं। देखिए तो ये आर्टिफिशियल बोटिंग बनाई गई है बच्चों के लिए है, बड़ों को अगर शौक है तो बड़े भी ले सकते हैं। बट इट्स लुक्स वेरी ब्यूटीफुल एंड कलरफुल एंड यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे छोटे तो आप ना ले सकते हैं, एंजॉय रेंजर्स ग्राउंड में आके बच्चों को खुश कर सकते हैं। तो गाइज हम आ चुके हैं घर न्यू ईयर सेलिब्रेट करके और बहुत मजा आया हमको। आई होप आपका दिन भी बहुत अच्छा गया होगा और यूं ही साल का पहला दिन भी चले गया बहुत खूबसूरत यादों के साथ। तो आई होप आगे भी बहुत अच्छा रहे ये साल हमारे लिए भी और आपके लिए भी। सो विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर और आई होप आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया, क्योंकि हमने इसमें छोटी छोटी चीज़ें कलेक्ट करके आपको बहुत चीज़ें दिखाने की कोशिश की है जितना हम कर सके। तो अगर आपको ये ब्लॉग तो कमेंट करें, शेयर करें एंड लाइक करें। आपका प्यार यूं ही हमारे साथ हमेशा बना रहे और कमेंट ज़रूर करना यार कि कैसा लगा आपको व्लॉग, और आप व्लॉग बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। सो
मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, स्टिल डैड, बाय बाय, हैप्पी न्यू ईयर गाइस, हैप्पी न्यू ईयर।